सूजी में दही को डालकर आज हम लोग बनाएंगे महीने भर चलने वाली बहुत ही मज़ेदार सी स्नैक्स की रेसिपी। शायद ही आज से पहले आप लोगों ने स्नैक्स बनाए हो। बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है और फ्रेंड्स खाने में बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बन के रेडी होती है। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले कोई भी एक कप या मतलब कटोरा लेना है, बड़ा सा बर्तन यहाँ पे लेंगे। उसमें एक कप या कटोरी भर के लेंगे गेहूं का आटा। जो भी घर में आप इस्तेमाल करते हो गेहूं का आटा वही आपको लेना है। अब इसके बाद हम लोग लेंगे उसी कप से भर के एक कप सूजी। सूजी बारीक वाली लेनी है, अगर बारीक वाली नहीं है मोटे वाली है तो उसे एक बार ग्राइंड कर लीजिएगा मिक्सी में, उसके बाद इस्तेमाल कीजिएगा। अब एक कप भर के हमने सूजी यहाँ पर डाल ली है। अब सूजी डालने के बाद मैंने यहाँ पर 4 बड़े चम्मच के करीब लिया है दही। दही आपका ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए, और अगर आपका थोड़ा ज़्यादा खट्टा है तो 4 चम्मच लीजिएगा। अगर खट्टा नहीं है तो आप लोगों को आधा कप यहाँ पे लेना है। अब यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच भर के हम लोग लेंगे सफ़ेद तिल, इससे ये जो स्नैक्स है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। 1 बड़ा पिंच भर के मैंने यहाँ पर लिया है नमक, इससे मतलब जो मीठा होता है फ्रेंड्स वो बैलेंस हो जाता है। अब 4 बड़े चम्मच भर के हम लोग यहाँ पर लेंगे रिफाइंड ऑयल। आप लोग चाहें तो यहाँ पे जो देसी घी होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। और 1 बड़ी चुटकी के करीब यानी 1/4 टीस्पून के करीब हम लोग लेंगे मीठा सोडा यानी कि खाने वाला सोडा। सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएँगे ताकि जो भी चीज़ें हमने इसके अंदर डाली हैं वो आटे और सूजी में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिला लिया है। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमने यहाँ पर 1/2 कप चीनी और 4 बड़े चम्मच जो डेसिकेटेड कोकोनट होता है यानी कि नारियल का बुरादा, उसे अच्छे से पीस लिया था वो डाल लेंगे। अगर आप लोग मीठा थोड़ा सा ज़्यादा खाते हैं तो 1-2 चम्मच और इसमें ऐड कर सकते हैं। अभी देखिए जो शुगर पाउडर डेसिकेटेड कोकोनट का पाउडर है उसे बहुत ही अच्छे से हम लोग यहाँ पर मिलाएँगे। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हमें डाल लेना है थोड़ा थोड़ा सा करके पानी। तो 4 चम्मच के करीब मैंने पानी ऐड किया था, और 4 चम्मच के करीब पानी डालने के बाद अच्छे से इसे गूंथ लेंगे। और आप लोगों को इसे मतलब बहुत ही ज़्यादा एकदम हार्ड सा डो इसका बना के रेडी करना, देखिए थिक नहीं होना चाहिए, हार्ड डो आप लोगों का होना चाहिए। अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ी देर ढक के रख देंगे क्योंकि हमने इसमें सूजी डाली है तो सूजी भी फूलेगी, इससे थोड़ा सा और थिक यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए मैंने इसको ढक के साइड पर रख दिया था। अब 5 से 10 मिनट के बाद मैंने इसको उठाया तो पहले से बहुत ज़्यादा थिक जो है यहाँ पर चुका था। अब इसको एक बार मसल लेंगे अच्छे से, एकदम गूंथ लेना है दोबारा से। अभी फ्रेंड्स इसे गूंथने के बाद हल्का सा ना घी लगाना है हाथों के ऊपर, और 1 चम्मच या फिर कोई भी चीज़ से छोटा छोटा पोर्शन लेंगे, बिल्कुल एक बराबर आपकी रेसिपी बननी चाहिए। तो इस तरीके से लेके इसका एक गोला सा बना, जैसे बिस्किट होते हैं कोकोनट बिस्किट, अगर आप लोगों ने खाए हों तो बहुत अच्छा सा उसका शेप आता है, तो ऐसा इसका शेप बना, आप चाहे तो ऐसा इसका शेप रख सकते हो। या फिर मैंने ना इसके ऊपर थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया था, देखिए मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, किसी चम्मच से एकदम स्क्वायर सा डब्बे डब्बे जैसा इसका ऊपर डिज़ाइन बना दीजिएगा, इससे क्या होगा दिखने में बड़ा अच्छा लगेगा। तो फिर देखिए इसके ऊपर मैंने कुछ इस तरीके का डिज़ाइन बनाया और दिखने में एक बिस्किट बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप लोग जिस तरीके से चाहें उस तरीके से बना सकते हो। अब जो इसका ऑयल है वो आप लोगों को मतलब हाई फ्लेम पे गरम करके उसको आप लोगों को कर देना है लो फ्लेम पे, और सारे बिस्किट इसके अंदर डाल देंगे। और सारे बिस्किट डालने के बाद फ्रेंड जब ये नीचे से मतलब हल्के से ब्राउन हो जाएंगे, थोड़ी देर नीचे से पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लगभग, और उसके बाद हम इन्हें पलट देंगे। तो देखिए मैंने सारे बिस्किट डाल दिए और अभी मैंने अच्छे से पकने देती हूँ नीचे से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि जो ये हम बिस्किट बनाए हुए ना हल्के से फटने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिखर जाते हैं, बिखरेंगे बिल्कुल भी नहीं, बहुत टेस्टी बनेंगे और बिस्किट से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनेंगे। आप लोग देख सकते हो कैसा हो चुका है। अब देखिए नीचे से भी हल्के ब्राउन हो गए थे, उसी टाइम पर मैंने जो है इन्हें पलट दिया था ताकि दोनों साइड से बहुत अच्छे से सिक जाएँ। अब दूसरे साइड से भी सिक चुके थे, आप लोग देख सकते हो बन के रेडी हो चुके। जब अच्छा सा ब्राउन सा कलर इनमें आ जाएगा तो उसी टाइम पे सारे बिस्किट हम लोग निकाल लेंगे। आप लोग देख सकते हो दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं फ्रेंड्स, ये बिखरेंगे बिल्कुल नहीं, ठंडा होने के बाद अभी आपको लग रहा है ये नरम है, लेकिन ठंडा होने के बाद ये बहुत अच्छे क्रिस्पी जो है हो जाते हैं। अब देखिए इसी तरीके से मैंने इसके ऊपर कोई डिज़ाइन नहीं बनाया था, तो सेम इस तरीके से भी मैंने बिस्किट बनाए थे, आप किसी भी तरीके से आप इन्हें बना सकते हैं। तो फ्रेंड बिस्किट बनके रेडी हो चुके, तो जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने थोड़े से बिस्किट बनाए थे वही निकाले हैं क्योंकि बहुत जल्दी ठंडे हो चुके थे, और आप लोग देख सकते हो कि ये टूटे नहीं हैं, बिखरे नहीं हैं, और कितने अच्छे बन के रेडी हों, बहुत अच्छे क्रिस्पी बनते हैं, और खाने में तो उनका टेस्ट इतना है कि मतलब लाजवाब है। आप लोग पूछिए मत, जब आप बना के खाएंगे तब आपको पता चलेगा। तो एक बार ये रेसिपी ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, दिवाली पर आप किसी को दे
सकते हैं और रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।